रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते। ठीक है, हम जो टॉपिक देख रहे थे लास्ट क्लासेस में, एएसए को लेके हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो एक स्लाइड में ओपन कर रहा हूँ, ये स्लाइड मेरी फर्स्ट और लास्ट होगी, इसको हम स्लाइड ओपन नहीं करेंगे। तो बेसिक चीजों को समझने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए। सो एएसए फायरवॉल पे हम काम करने स्टार्ट कर रहे हैं। एएसए का मतलब होता है अडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। एएसए के पहले सिस्को जो फायरवॉल बनाती थी उसको पिक्स फायरवॉल कहते थे। तो पहले पिक्स एक कंपनी थी जो फायरवॉल बनाती थी, सिस्को ने उसको परचेज किया और फिर क्या किया, उसका लेवल हटा के फिर उसे क्या बना दिया, एएसए। तो एक्चुअली एएसए दो डिवाइस का कॉम्बिनेशन है, एक तो फायरवॉल और दूसरा वीपीएन कंसंट्रेटर। पहले वीपीएन के लिए वीपीएन कंसंट्रेटर अलग डिवाइस आती थी, दोनों को बॉक्स को कंबाइंड किया और एक सिंगल एएसए बॉक्स बना दिया। सो एएसए को हम क्या बोलते हैं, अडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। इट इज एन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक एंड व्हाट, वीपीएन कंसंट्रेटर। ठीक है, नाउ नाउ अगर मैं एएसए फायरवॉल के बारे में डिस्कशन करूं, तो जैसे मान लो मेरे साथ फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग वेंडर पे काम कर रहे हैं फायरवॉल पे, जैसे कोई पॉल ऑल्टो पे काम कर रहा है, कोई चेक पॉइंट पे काम कर रहा है, कोई फोर्टनेट पे काम कर रहा है, कोई मुझसे कह रहा है यार चेक पॉइंट बेस्ट है, पॉल ऑल्टो बेस्ट है, ढेर सारे फीचर गिना रहा है। तो अगर मैं एएसए स्टडी कर रहा हूँ और मैं एएसए पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एएसए के फीचर से गिना सकता हूँ। तो ये सारे फीचर्स हैं एएसए, ठीक है ना, एक एक फीचर बारे में बात करें आराम से। सो फर्स्ट फीचर हमारा क्या है, ऊपर दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे जैसे हम चेक पॉइंट को ले लो, चेक पॉइंट में क्या होता है ना, हम ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से यूज करते हैं, गाया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। गाया ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी वीएमवेयर पे इंस्टॉल करो और उसे यूज करना शुरू कर दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को और हार्डवेयर को और यूज करना स्टार्ट करो। वैसे हमारे पास आता है पालो अल्टो के अंदर पैन ओएस आता है, बट सिस्को के अंदर क्या चीजें हैं, सिस्को के अंदर क्या है कि हार्डवेयर जो है वो भी सिस्को बिलोंग करता है और जो सॉफ्टवेयर है वो भी सिस्को को बिलोंग करता है। तो दोनों सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दे बोथ बिलोंग विद अ सिंगल वेंडर। ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और से लिया हुआ है, हार्डवेयर कोई और लिया हुआ है। तो अगर आपको ओएस की प्रॉब्लम है सिस्को से बात करो आप, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है सिस्को से बात करो आप। तो एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि इट मीन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे बिलोंग टू द सिस्को, दे बिलोंग टू द सिस्को। क्लियर? नाउ it's not like other vendor, they uses different vendor operating system and different vendor hardware, aisa kuch nahi hai cisco ke andar. pehla feature ye hai. dusra stateful firewall. stateful firewall maine aapko bataya tha kya hota hai, kehte maine aapko first class mein bataya tha, recording hai aapke paas, kehte if any traffic is traveling through the firewall, firewall will maintain the state of connection, okay, in the state table. yes. And when the return traffic will come, firewall will verify the information in the state table. If it is a part of your existing connection, so it will accept, otherwise drop. So stateful firewall आपका सिस्को ऐसे भी follow करता है। वैसे stateful firewall की जो technique है ना, ये checkpoint लेके आया था। Okay, user based authentication, जैसे हम कहते हैं हम AAA करना चाहते हैं, जैसे मेरे organization में AAA का एनवायरनमेंट चलता है, मतलब लोग TechX और Radius सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, लोग यूज करते हैं। जैसे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको पता होगा TechX को यूज किया जाता है, तो TechX यूज करते हैं। अभी सब चीजों को यूज करने के लिए आप क्या करते हो, AAA इंप्लीमेंटेशन करते हो, राउटर पे, स्विचेस पे, फायरवॉल पे। तो राउटर स्विचेस तो आप करते ही करते हो, अगर आपने ASA स्टार्ट किया है तो ASA के ऊपर भी आप AAA इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहे वो आपके इनबाउंड कनेक्शन मतलब अंदर से आ रहा हो या आउटबाउंड कनेक्शन से आ रहा हो। किस किस सर्विस के लिए, जैसे FTP के लिए कोई रिक्वेस्ट डाल रहा है, कोई HTTP की रिक्वेस्ट डाल रहा है, ये सब चीजों के लिए ऑथेंटिकेशन आप AAA से कर सकते हो। यानी यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप राउटर और स्विच के अलावा फायरवॉल पे भी कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन इंस्पेक्शन। प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन इंस्पेक्शन क्या है, इसे एक्चुअली हम कहते हैं MPF, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अच्छी बात यह है सिस्को ऐसे फायरवॉल के साथ कि आप लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सकते हो। बट क्लियर रख लो, सिस्को ऐसे फायरवॉल की एक लिमिटेशन है, ठीक है ना, इट्स नॉट डीप पैकेट, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक इंस्पेक्शन कर सकते हो। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आप रियली डीप पैकेट इंस्पेक्शन की बात करोगे तो ऐसे फिट नहीं बैठता। डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, जैसे पालो ऑल्टो, 48, चेकपॉइंट, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, ये सब कैपेबल है। बट आपका सिस्को ऐसे फायरवॉल भी कर सकता है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब
लेयर टू से लेके लेयर सेवन तक के जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो उन्हें आप क्या कर सकते हो, डीप पैकेट इंस्पेक्शन चला सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, अब एसएमटीपी प्रोटोकॉल को रन करने के लिए बैकग्राउंड में इंस्ट्रक्शन चलता है, कोई भी प्रोटोकॉल चलता है उसके लिए इंस्ट्रक्शन चलता है। मान लो एसएमटीपी के लिए इंस्ट्रक्शन चल रहा है 15, आपके नेटवर्क में आपको पता है ये एसएमटीपी चलने के लिए बैकग्राउंड में कितने इंस्ट्रक्शन चाहिए, 15 इंस्ट्रक्शन। अब आपने आपने डीप पैकेट इंस्पेक्शन में एसएमटीपी के लिए बोल दिया क्या, डीप पैकेट इंस्पेक्शन इनेबल कर दिया आपने एसएमटीपी के लिए। अब क्या होगा, अगर उस एसएमटीपी प्रोटोकॉल में किसी ने कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन ऐड किया, अटैकर क्या करता है कुछ इंफॉर्मेशन अपनी इंसर्ट करता है, कुछ भी उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की और वो आपके फॉरवर्ड के थ्रू अगर ट्रेवल कर रहा है और फॉरवर्ड क्या लगा ये एसएमटीपी प्रोटोकॉल है और इसका इंस्ट्रक्शन 50 नहीं है, इसका इंस्ट्रक्शन 25 दिख रहा है, इट्स मीन मेरे हिसाब से क्या है, अटैक है और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। क्लियर है मेरी बात? जैसे क्या है आपके पास, आप डीप पैकेट पे आप देख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली जा रहा है, इंस्ट्रक्शन तक चेक कर सकता है वो। तो उसे कहते हैं प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन इंस्पेक्शन कहते हैं, या इसे मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क MPF कहते हैं शॉर्ट में। और हम मल्टीपल चीजों को डीप पैकेट इंस्पेक्शन पे ला सकते हैं, जैसे FTP कैसे काम करता है, FTP को डीप लेवल पे जाकर चेक कर सकता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा प्रॉपर है, वी हैव अ टॉपिक, लेकिन अभी क्लियर रखो लेयर टू से लेके लेयर सेवन तक आप डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, VPN। VPN क्या आपके पास है, जैसे हम कहते हैं VPN हम राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम बाकी फायरवॉल्स पे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम सिस्को ऐसे फायरवॉल पे भी कर सकते हैं। कैसे कैसे आपके पास है, जैसे सिस्को ऐसे सपोर्ट करता है क्या IPsec और SSL VPN। ओके, SSL PPTP आपका टॉपिक नहीं है, SSL VPN। सो आपका SSL VPN क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, IPsec VPN आपके पास आता है। जब आप IPsec की बात करते हो तो इसमें दो VPN आते हैं, साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस। जब आप SSL VPN की बात करते हो तो क्लाइंटलेस, थिन और थिक आता है, L2TP आपका टॉपिक नहीं है, लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। तो आप कह सकते हो कि बाकी राउटर्स बाकी डिवाइसेस की तरह सिस्को ऐसे भी VPN को सपोर्ट करता है, किसके लिए, आप साइड टू साइड कर लो, IPsec कॉन्फ़िगर कर लो इस पे, ठीक है, रिमोट एक्सेस, आप SSL VPN कॉन्फ़िगर कर लो, उसके अंदर क्लाइंटलेस, थिन और थिक कॉन्फ़िगर कर लो, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, वर्चुअल फायरवॉल। बाकी फायरवॉल की तरह आप अपने इस फायरवॉल को मल्टीपल फायरवॉल पे डिवाइड कर सकते हो, जैसे हमारे पास Fortinet पे आता है, मल्टीपल फायरवॉल जब डिवाइड करते हो उसे VDOM कहते हैं, वहां वर्चुअल डोमेन, यही सिस्को ऐसे में क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल फायरवॉल, या इसको बोलते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। सो वी कैन डिवाइड सिंगल बॉक्स इनटू मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स। ओके, किस सिनेरियो में इसे यूज करते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आगे टॉपिक है आपका, बट अभी क्लियर रखिए कि फीचर हमारे पास क्या है, कि हम सिंगल अप्लायंस को मल्टीपल अप्लायंस में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्या है, वेब बेस्ड मैनेजमेंट। पालो अल्टो Fortinet इतना पॉपुलर क्यों है, पालो अल्टो Fortinet क्योंकि ग्राफिकल है, लोगों को अच्छा लगता है, क्लिक 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 किया, क्लिक क्लिक हो गया काम हमारा। तो सिस्को ऐसे भी क्या कहता है कि आप मेरे भी बॉक्स को CLI के साथ साथ ग्राफिकल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और हमारे सेशन में पूरा टॉपिक है, ठीक है। सो यस, अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी फील हो रही है कि मैं CLI पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा ग्राफिकल होता तो और अच्छा लगता, यस, आप सिस्को ऐसे ग्राफिकल भी मैनेज कर सकते। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टेटफुल फेलओवर। स्टेटफुल फेलओवर का मतलब फेलओवर कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन होता है एक्टिव स्टैंड बाय फेलओवर एंड एक्टिव फेलओवर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक फायरवॉल है, ठीक है, मेरे पास एक फायरवॉल है और ट्रैफिक मेरी क्या हो रही है, एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स से होके जा रही है। ये मेरा फायरवॉल बॉक्स है, ये मेरी स्विच है और ये आपका ISP कनेक्शन। सारी मेरी ट्रैफिक बड़े आराम से ट्रेवल कर रही थी, इधर से जा रही थी, जैसे ही बॉक्स डाउन होगा तो मेरी कनेक्टिविटी लॉस हो गई लैन से वैन के बीच में। तो मैंने फेलओवर के लिए, मैंने आप कह सकते हो फॉर रिडंडेंसी के लिए, मैंने एक और फायरवॉल यहाँ पे लगा दिया, ये फायरवॉल बॉक्स 2 है, ये फायरवॉल बॉक्स 1 है, आपके लिए कनेक्टिविटी ऐसे दिख रही है। मेरी कनेक्टिविटी ऐसे दिख रही है, तो क्या है मेरा, मैं फेलओवर यूज कर रहा हूँ, एक्टिव स्टैंड बाय, नाम से लग रहा है एक फायरवॉल एक्टिव होगा, दूसरा स्टैंड बाय होगा,
यानी जो ट्रैफिक होगी वो एक्टिव से जा रही होगी, जैसे एक्टिव डाउन होगा तो यहाँ पे आप एक फेल ओवर लिंक यूज करते हो, एक फेल ओवर लिंक यूज करते हो जिसको इसको क्लियर हो जाता है क्या कि ये डाउन हो गया और स्टैंड बाई क्या बन जाता है एक्टिव, और ट्रैफिक ऑटोमेटिकली क्या होती है इधर से रिडायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब फेल ओवर के लिए पहला ऑप्शन एक्टिव स्टैंड बाय, जिसमें एक फायरवॉल आप यूज कर रहे हो, दूसरा आपका स्टैंड बाय रहेगा। बट एक और मेथड आता है एक्टिव एक्टिव, जिसमें आप दोनों फायरवॉल को एक साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, ये लैब भी है हमारे पास। नाउ आईपी वर्जन 6 नेक्स्ट जनरेशन आईपी आप कॉन्फिगर कर सकते हो सिस्को ऐसे फायरवॉल के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लस्टरिंग क्या होती है, आपके पास क्लस्टरिंग का ऑप्शन होता है क्या, आप मल्टीपल फायरवॉल को कंबाइन करके एक सिंगल फायरवॉल की तरह एक्ट कर सकते हो, मतलब दो तीन फायरवॉल को कंबाइन किया और क्या हुआ एक बड़े फायरवॉल की तरह एक्ट कर रहा, जैसे आप स्टैकिंग करते हो स्विच के अंदर, वही ऑप्शन है। सो ये आप चीजें कर सकते हो। इट द फीचर इंट्रोड्यूस विद 9.x के ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्लस्टरिंग कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं, ये प्रैक्टिकल का मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ये फिजिकल डिवाइस पे होता है, फिजिकल बॉक्सेस आपके यहाँ होने चाहिए, तो इसका तो वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक नहीं है बट इसका वीडियो दे सकता हूँ, छोटा सा है, 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का है। नाउ अब इसके बाद हमारे पास ASA बेसिक स्टार्ट होती है, मतलब फर्स्ट डे ऑन सिस्को ASA फायरवॉल। तो हम एक फायरवॉल ले लेते हैं और उसको थोड़ा बात करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहीं पे एक फायरवॉल ले लेता हूँ, क्या टोपोलॉजी बनी होगी, एक मिनट। यस, तो ये अभी आप इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, मैं इसको डिलीट करूँ। अभी सिर्फ आपके पास दो डिवाइस है, एक आपके पास है फायरवॉल, ठीक है, और एक मैं ले रहा हूं राउटर। ये आपका फायरवॉल बूट कर रहा है, 9.x का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, 9.1 पड़ा हुआ है इसमें, और ये टाइम लेगा। राउटर को भी साइड रखिए, ये है आपका फायरवॉल। ओके, तो ये आपका सिस्को ASA फायरवॉल का, मतलब ये आपने जो एक्सेस किया है ना, ये कंसोल है, कंसोल के थ्रू आपने केबल लगाया और उसे आपने पट्टी से एक्सेस किया। अब यहाँ पे आप इनेबल, जैसे सिस्को पे कमांड टाइप करते हो राउटर्स पे, इनेबल टाइप कर लो, यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नहीं चलता, यहाँ इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देखो तो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ चलता। ठीक है, सबसे पहली कमांड आपको टाइप करनी चाहिए शो वर्जन, पता है क्यों, कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, जैसे ये जो अप्लायंस है उसे सिस्को अडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस कहते हैं, सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो 9.1 पड़ा हुआ है। ओके, डिवाइस मैनेजर 7.3, इसे डिवाइस मैनेजर कहते हैं, डिवाइस मैनेजर 7.3 पड़ा है, ASDM की बात कर रहा है। ASA आपका ASA 5520 जो हार्डवेयर है आपका 5520 है, इसके अंदर ये रैम पड़ा हुआ है, CPU Pentium सेकंड 1000 MHz का इसमें पड़ा हुआ है, ये चार इंटरफेसेस आपके पास पड़े हैं, इथरनेट 0, 1, 2, 3, और ये आपके पास लाइसेंस की इंफॉर्मेशन, लाइसेंस फीचर फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो जो बॉक्स मैं यूज करता हूँ ना उसके अंदर सारे लाइसेंस पड़े हुए हैं, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा
तो ये मैं यही बॉक्स आपको दूंगा, इसमें सारे लाइसेंस पड़े हैं जिसपे आप प्रैक्टिकल सारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके पास है, हर चीज इनेबल है। अगर आप कोई ऐसा फायरवॉल आपके पास आप परचेज करते हैं जिसपे आपके पास लाइसेंस, जैसे आप मान लो कभी यहाँ बैठ के ASA को पे काम कर रहे हो, वो फिजिकल को अभी कभी आप कनेक्ट करके देख लेना, वहाँ ASA रखा 5506, तो उसे आप कभी एक्सेस करके देख लेना कंसोल के थ्रू, तो देखोगे उसमें सारा डिसेबल लिखा होता है। डिसेबल का मतलब लाइसेंस स्टोर नहीं है उसमें। इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर चीज पे अनलिमिटेड 100, अनलिमिटेड एक्टिव एक्टिव। जैसे फेलओवर का लाइसेंस मेरे पास क्या है, एक्टिव एक्टिव का। ओके, VPN का लाइसेंस मेरे पास इनेबल है। देन मेरे पास सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मतलब वर्चुअल फायरवॉल का 20 वर्चुअल फायरवॉल में इसे डिवाइड कर सकता हूँ। तो हर चीज इनेबल है, नंबर्ड दिख रहा है आपको। नाउ अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अब कॉन्फिग टी पे गए, आप चाहो तो इसका होस्ट नेम चेंज कर लो। रैम है ना, रोम तो अलग चीज होती है ना, रैम और रोम तो अलग होती है। और ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स तो बहुत छोटा होता है ना। अगर आप 10 साल पहले किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किए होंगे तो वो कितने में आता था, वो पेन ड्राइव में आता, 256 MB में आता था पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा होता है ना, CLI जो होती है वो छोटी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। और जो आपने 512 दिखाया है वो रैम है, रैम अलग चीज होती है और रोम अलग चीज होती है। स्टोरेज जो होता है ना वो रोम में आता है, ठीक है ना, स्टोरेज है। और जो फ्लैश कहते हो, डिस्क कहते हो, वो अलग है। और जो रैम है वो क्या है, जैसे मेरा लैपटॉप अभी ऑन हुआ है, ये किसके ऊपर हुआ है, रैम के ऊपर हुआ है। तो रैम अलग चीज होगी और रोम मतलब स्टोरेज अलग होगी, ठीक है। सो हियर वी हैव व्हाट, अच्छा होस्टिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक कमांड इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड मैंने मान लो CCI दिया, तो आप यहाँ पे इनेबल पासवर्ड CCI देते, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड होती है। मतलब अगर आप शो रन करोगे तो ये पासवर्ड देखो, इनेबल पासवर्ड आपका क्या दिख रहा है, जबकि ये अगर सिस्को में चलाओगे आप तो इनेबल सीक्रेट वहां होती है इनक्रिप्टेड के लिए, बट यहाँ पे इनेबल सीक्रेट नहीं चलता, यहाँ पे इनेबल पासवर्ड ही चलता है, ठीक है। नाउ अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे इंटरफेसेस को देखो, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, ये आपका इंटरफेसेस है। अच्छी बात ये है कि प्रिविलेज मोड की कोई भी शो कमांड आप किसी भी मोड में चला सकते हो। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी चला सकता हूँ शो इंटरफेस IP ब्रीफ, कोई डू नहीं लगाना नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है ईथरनेट 0, अगर आपको मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन करना है तो पोस्ट इंटरफेस बड़ा सिंपल है, आप इंटरफेस ईथरनेट 0 पे चले जाओ। और इसको मान लो, अब देखो जैसे हमारी टोपोलॉजी हिसाब से ये मैं लैन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने दो डिवाइस लिया, एक फायरवॉल और एक राउटर, तो अभी मैं फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने IP एड्रेस दिया फॉर एग्जाम्पल 192.168.10.1, ये आपका मास्क हो गया। नो शट कमांड आपने टाइप किया, नो शट डाउन एग्जिट किया आपने। अगर आप शो इंटरफेस IP ब्रीफ करोगे तो IP नहीं दिख रही है आपको, पोर्ट अप हो गया, IP नहीं दिख रही है, क्यों मैं आपको बताता हूँ देखो। लेकिन अगर आप इसे यहां से वेरीफाई करोगे शो रन इंटरफेस, देखो फायरवॉल की एक और क्वालिटी ये है, जैसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से हमें कुछ फिल्टर करना होता है सिस्को के केस में, तो हम क्या करते हैं, शो रन पाइप सेक्शन करते हैं ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, शो रन और सीधे जो भी आपको फिल्टर करना उसका नाम लिख दो, शो रन इंटरफेस ईथरनेट 0। तो दिख रहा है कि आपने IP एड्रेस तो कॉन्फिगर किया है, कॉन्फिगर्ड है, बट वो दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि अब आपको क्लियर करना होगा कि जब आप किसी इंटरफेस को कॉन्फिगर करते हो, जैसे आपने इंटरफेस 0 कॉन्फिगरेशन किया, तो यहाँ आपको पहले स्पेसिफाई करना होगा जोन, क्या स्पेसिफाई करना होगा, जोन। मैं आपको बताता हूं सिस्को जैसे फायरवॉल पे प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है इनसाइड। सो नेम F पहले कमांड टाइप करनी होगी और आपको डिफाइन करना होगा। अगर मैंने यहाँ पे इनसाइड टाइप किया ना तो इस पोर्ट पे सिक्योरिटी लेवल मिल जाएगा। आपको बताया ना फायरवॉल सिस्को जैसे फायरवॉल किस पे काम करता है, सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर मैं एंटर करूंगा ना तो सिक्योरिटी लेवल फॉर दिस इनसाइड सेट टू 100 बाय डिफॉल्ट इसका 100 लेवल 100 मिल गया। अब अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो IP एड्रेस दिख रही है, यानी किसी भी इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप उसे नेम इफ आपको बताना पड़ेगा कि वो इनसाइड का पार्ट है कि वो आउटसाइड का पार्ट है वो या किसी और जोन का पार्ट है, यानी पहले उसको जोन के अंदर डालना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो ये आपने अगर शो इंटरफेस IP ब्रीफ किया है तो आपको IP दिख रही है। अब अगर मैं यहाँ से, अगर मेरे पास IP एड्रेस है और मैं अगर राउटर पे आता हूँ,
राउटर पे भी अगर IPLS कॉन्फ़िगर करें उसके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे, और एक बार मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। Now, इसका नाम आरुण दे देते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड आईपी एड्रेस, सेम सीरीज के आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 10.1 10.1 हमने कॉन्फ़िगर किया, 10.10 यहां कर लेते हैं, ठीक है, नो शटडाउन। अब अगर मैं राउटर से फायरवॉल को पिंग करूं तो क्या लिखूंगा मैं, पिंग 192.168.10.1। तो अगर मैंने पिंग किया तो मैं पिंग कर सकता हूं, राइट। और अगर मैंने पिंग किया यहां से फायरवॉल से पिंग 192.168.10.10, दोनों पिंग कर रहे हैं, चलो। तो अगर मैं यहां से पिंग कर सकता हूं, तो अगर मैं टेलनेट ट्राई करूं तो टेलनेट, अगर मैं दो राउटर को टेलनेट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो पासवर्ड अगर सेट नहीं है तो कम से कम ये तो मैसेज आता है ना, पासवर्ड रिक्वायर्ड बट नन सेट, ये तो आता है ना, यहाँ ये भी नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज टू द फायरवॉल सिर्फ एक ही ट्रैफिक अलाउ होती है, टू द फायरवॉल, कौन सी? ISMP ट्रैफिक, यानी आप उस इंटरफेस को सिर्फ पिंग कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। टेलनेट, SSH, HTTPS सारी सर्विसेज डिसेबल होती है। फायरवॉल को बताना होता है कि कौन उसे टेलनेट के थ्रू एक्सेस करेगा, फायरवॉल बताएगा, वो फायरवॉल डिसाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने क्या किया, मैंने बोला टेलनेट कमांड होती है, क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट और नेटवर्क ऑथराइज्ड टू लॉग इन टू द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आईपी एड्रेस, तो मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ 192.168.10.10 इसे एक्सेस करेगा सिर्फ, अगर सिंगल आईपी को मैं अलाउ कर रहा हूँ टेलनेट करने के लिए, तो सिंगल आईपी अगर है तो यहाँ पे इस आईपी एड्रेस को मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास्क। हाँ, अगर सिंगल आईपी एड्रेस को मैं अलाउ कर रहा हूँ तो उसका मास्क ये होगा, जैसे आप राउटर पे जब किसी नेटवर्क को मैनेज मैच करना होता है तो वाइल्ड कार्ड मास्क देते हो ना, हाँ यस, वाइल्ड कार्ड मास्क देते हो, ग्लोबल वाइल्ड कार्ड मास्क आप कॉन्फ़िगर करते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लियर कर लो, फायरवॉल के ऊपर वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है मास्क का, यानी अगर आपको नेटवर्क भी मैच करना है ना तो आप सीधे मास्क ही दोगे, आप वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करते। अच्छा, सिंगल आईपी है तो मैं मास्क यूज कर रहा हूँ, अगर पूरा नेटवर्क में अलाउ करता तो 0.255.255.0 ऐसा होता मेरा, बात समझ में आई? अभी मैं सिंगल आईपी कर रहा हूँ तो 10.10 255.255। नाउ पर्सन कहाँ बैठा हुआ है, इनसाइट के अंदर, डन। नाउ पासवर्ड इज व्हाट, पासवर्ड इज CCIE दे दो आप या सिस्को दे दो आप। Now, अब आप इस डिवाइस पे आओ, यहाँ पे टेलनेट करने की कोशिश करो, क्या मांग रहा है आपसे, पासवर्ड क्या आपने कॉन्फ़िगर किया था, क्लियर है, एग्जिट। अब अगर मैं SSH के थ्रू करना चाहूँ तो, बिकॉज टेलनेट तो मुझे पता ही है टेलनेट प्लेन टेक्स्ट होता है, अगर किसी ने पैकेट कैप्चर कर लिया सारी इंफॉर्मेशन क्या दिख रही है, क्लियर टेक्स्ट में। तो अगर मैं इस फायरवॉल बॉक्स को SSH के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ, देन जैसे आप राउटर पे इनेबल करते हो ना वैसे कमांड सिंटैक्स सिंपल, क्या है कमांड फॉर SSH, क्रिप्टो की जनरेट RSA, एंटर, हाँ सेम एग्जैक्टली, देन यूजर नेम आपको बनाना होगा, यूजर वन ले लीजिए, यूजर फाइव ले लीजिए, पासवर्ड यूजर फाइव, प्रिविलेज डिफाइन कर लीजिए 15, देन आपको बोलना होगा जैसे टेनेट को आपने बोला था SSH क्वेश्चन मार्क, कौन आपका ऑथराइज है। सो नाउ मैं कह रहा हूं SSH के थ्रू यही आईपी बस एक्सेस करेगी, और वो आईपी एड्रेस, वेट, और वो आईपी एड्रेस है कहां पे, इनसाइड साइड बताना पड़ेगा, किधर है, इनसाइड में वो आईपी एड्रेस बैठी। नाउ आपको यहां बोलना पड़ेगा AAA ऑथेंटिकेशन SSH कंसोल व्हाट लोकल, इस कमांड का मतलब क्या है, मैंने बोला ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन जो SSH के लिए होगा उसका जो कंसोल मैं दे रहा हूँ कहाँ से एक्सेस करेगा,
वो मैं बता रहा हूँ लोकल डेटाबेस से करेगा, ठीक है। लोकल डेटाबेस का मतलब अभी मैंने इस फायरवॉल के अंदर एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया है, यूजर नंबर 5। अगर मेरे इन्वायरमेंट में टकैक्सो रेडियस होता तो मैं इसको सेलेक्ट करता है वर्ड को, क्लियर है। तो अभी मैं कह रहा हूं मेरे पास लोकल डेटाबेस में क्रिएटेड है, तो मैंने एंटर किया, बात समझ में आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डिवाइस पे जा रहा हूं, मैं इस डिवाइस पे जा रहा हूं, यहां मैंने एसएसएच किया, एसएसएच स्पेस हाइफन एल एंड व्हाट लॉगिन नेम, क्या क्या लॉगिन नेम था वहां पर, यूजर 5 एंड आईपी एड्रेस क्या था फायरवॉल का, 10 डॉट, क्या मांग रहे हैं आपसे, पासवर्ड आपसे मांग रहे हैं, पासवर्ड क्या है आपका, यूजर ये हाइफन है लॉगिन, एल का मतलब होता है लॉगिन नेम, मतलब लॉगिन नेम। अगर आप पीसी पर हो तो पट्टी खोल लेते, पट्टी ओपन करते और बस आईपी एड्रेस टाइप करते, वैसे ही कर लेते। अभी मैं तो राउटर का हेल्प ले रहा हूँ एसएसएस करने के लिए, रियल सिनेरियो तो आप इसे किसी डेस्कटॉप पर, साइड में जैसे अगर 10 यूजर है तो 10 को 10 टाइप पूरा 200 फाइल में, हाँ एक्सैक्ट, अगर आप सेपरेट सेपरेट करोगे सबको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब या तो आप सबनेट डिफाइन कर दिए उस 10 के हिसाब से, तो हम लेते हैं ना सबनेटिंग करके एड्रेस वैसा ले लीजिए, या आप सिंगल आईपी दे या पूरा सबनेट ही दे दीजिए, क्लियर। नाउ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये आपका एसएसएस के लिए था, आप चाहो तो एचटीटीपीएस की सर्विस भी इनेबल कर सकते हो, कमांड है एचटीटीपी सर्वर इनेबल, डन। आपने लिखा एचटीटीपी बट इनेबल क्या हुआ है, एचटीटीपीएस। नाउ एचटीटीपी आपको अगेन टेलनेट और एसएसएच की तरह आपको बोलना पड़ेगा कि इस बॉक्स को एसएसएच के थ्रू कौन मैनेज, सॉरी एचटीटीपीएस के थ्रू कौन मैनेज करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या 192.168.10.255.255.255.255 एंड पर्सन कहाँ बैठा हुआ है, इनसाइड में, क्लियर है। मैंने कहा एचटीटीपीएस सर्वर इनेबल, जैसे आपने टेलनेट इनेबल किया, टेलनेट बताया कौन एक्सेस करेगा, आपने एसएसएच बताया कौन एक्सेस करेगा, यहाँ पे आप एचटीटीपी बता रहा कौन एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस करेगा, सेम, क्लियर है। नाउ 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 लेट्स गो ऑन फाइल, एचटीटीपी हो गया, पासवर्ड रिकवरी, जैसे आप राउटर पे पासवर्ड रिकवरी करते हो ना वैसे फायरवॉल पे भी कर सकते हो। राउटर पे पासवर्ड रिकवरी करने का ऑप्शन क्या होता है, ओके रोमन मोड में कैसे आते हो, रोमन मोड में आप कैसे आते हो, एग्जैक्टली वो यहाँ पे आपको वो करना है, और आप रोमन मोड में करते क्या हो, एग्जैक्टली यहाँ भी आपको वही करना है, बट राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू होती है वो 0x2102 होती है, राइट। बट फायरवॉल पे जो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू होती है वो होती है 0x01, तो आप बस वैल्यू को चेंज कर दो, कमांड सिंटैक्स सेम है, आप अपने फायरवॉल को स्टार्ट करो, कंट्रोल और पाउस ब्रेक बटन को प्रेस करो, राइट। जैसे ही रोमन मोड में खुलेगी आपको क्या टाइप करना है, सेम कॉन्फ्रेक और यहाँ लिखना है 0x41, ओके। एंड देन यहाँ रिस्टार्ट करने की कमांड क्या होती है, रीसेट, डिवाइस आपका स्टार्ट हुआ, आप इसे फैक्ट्री रीसेट कह सकते हो, क्लियर है। ये आपकी स्लाइड 1 है। नाउ अब हम मूव कर सकते हैं ऑन टेक्स्ट फाइल। सो टेक्स्ट फाइल में हमारे पास क्या है, हमने जो डिस्कशन किया है क्या क्या डिस्कशन, आई होप आपको क्लियर होगा कुछ टॉपिक, जैसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस आपने अभी देखा था, ट्रैफिक फ्लो थ्रू द फायरवॉल हम देखे हैं, जो हमने थ्योरेटिकली देखा है कि हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर, अभी जब हम लैब करेंगे तो उसे और डीपली समझेंगे। सिक्योरिटी लेवल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या है आपके पास ये टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी में आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे आपने शो इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया, तो ये आपका इंटरफेस है, राइट, दिस वन इज योर इंटरफेस। नाउ अब आपने क्या किया, आपको कोई और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे मान लो ये आपका आउटसाइड इंटरफेस है और ये आपका एक और है डीएमजेड इंटरफेस। सो दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने क्या बोला आउटसाइड, मैंने एक वर्ड बोला, ये जाके किसी राउटर से कनेक्ट, बाहर कनेक्टेड हुआ है,
और एक डीएमजेड, डीएमजेड मैंने बोला ड्रीम मिलिट्राइज जोन, ये वर्ड कहां से आ गया, ये मैं क्यों बात कर रहा हूं? देखो आप, अगर आप आओगे यहां पे, अगर आप अपने डिवाइस पे आ रहे हो तो मैं एग्जांपल के लिए इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, जैसे ये मेरा ईथरनेट 1 है, ये ईथरनेट 2 है, कोई प्रॉब्लम? कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी एड्रेस भी ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आउटसाइड के लिए आईपी एड्रेस सोचा था क्या 10.1.23.0 का नेटवर्क, इधर मैंने सोचा है 10.1.32.0 का नेटवर्क /24, तो मैं यहां पे आ रहा हूं इंटरफेस ईथरनेट 1 कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, दिख रहा है आपको? यहां मैं टाइप कर रहा हूं नेम इफ आउटसाइड, तो अगर इनसाइड कीवर्ड को छोड़ के आप कुछ भी यहां पे टाइप करोगे तो यहां पे उस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नाउ अब यहां पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं 10.1.23.1, ये आपका मास्क है, नो शट डाउन एग्जिट। एक और इंटरफेस आपके पास है, कौन सा? डीएमजेड। आपने बोला इंटरफेस ईथरनेट 2 नेम इफ व्हाट, डीएमजेड। अगर मैं डीएमजेड लिखूंगा पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए डीएमजेड होता क्या है, डीएमजेड होता क्या है, इट्स कॉल्ड डीमिलिट्राइज जोन। डीमिलिट्राइज जोन की जरूरत क्या है, जब मुझे इनसाइड पता है, आउटसाइड एक होता है, इनसाइड को मैं लैंस के लिए कनेक्ट कर लूंगा, आउटसाइड को मैं वैन के लिए कनेक्ट करूंगा, मेरी कहानी खत्म। मैं अलग से डीएमजेड के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, ये वर्ड कहां से आ गया? तो जैसे आप थोड़ी देर के डीएमजेड को भूल जाओ, ठीक है, है नहीं। सो अगर मैं डीएमजेड क्यों बनाता हूं, रूल क्या है, अगर मेरे नेटवर्क में कुछ ऐसे सर्वर्स हैं, आपके नेटवर्क में मल्टीपल सर्वर, जैसे एफटीपी सर्वर है आपकी कंपनी का जो आउटसाइड के पर्सन यूज करते हैं, आपकी कंपनी का वेब सर्वर आउटसाइड के पर्सन यूज करते हैं, एसएमटीपी सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, ये सारे सर्वर्स अगर आप इनसाइड नेटवर्क में रखते हो तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने क्या किया, ये आपका स्विच है और इससे आपने चार चार जो भी सर्वर है, और आपकी कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर जो आउटसाइड लोगों के लिए अलाउ नहीं है, वो इनसाइड के लोग ही एक्सेस करते हैं, तो क्या हुआ, आपने यहाँ वेब सर्वर लिया, एसएमटीपी सर्वर लिया, डीएनएस सर्वर लिया, एंड व्हाट एफटीपी सर्वर आपने ले लिया। अब इन सर्वर्स को आप आउटसाइड के लोगों के लिए अलाउ करोगे? अरे बाबा, वेब सर्वर तो लोग एक्सेस करना चाहेंगे ना, क्योंकि वेबसाइट आपकी वहीं रखी हुई है, लोग वेबसाइट तो एक्सेस करेंगे, इसके लिए आपको बाहर से पर्सन को अलाउ करना पड़ेगा, यस और नो? अगर बाहर से आप यानी अनट्रस्टेड नेटवर्क से किसी को अलाउ करते हो तो क्या होगा, अगर बाहर से कोई पर्सन आ रहा है तो इट मे बी पॉसिबल वाकई तो इसी को एक्सेस करेगा, आपने इसी के लिए अलाउ किया है, बट अगर अनट्रस्टेड से आ रहा है सो इट मे बी पॉसिबल कि वो अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करे, इट मे बी पॉसिबल, यस और नो? राइट, तो यहां आपके पास पॉइंट आता है क्या, कि अगर ऐसे सर्वर जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना है, ऐसे सर्वर जिनको आपको पब्लिकली अलाउ करना है, उन सर्वर्स को आप अपने इनसाइड जोन में मत डालो, उनको क्या करो आप, उनको आप क्या करो, उनको आप सेपरेट जोन में डाल दो। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने एक सेपरेट जोन बनाया जिसका नाम क्या रखा, डीएमजेड, और सारे सर्वर्स आपने उस डीएमजेड में डाल दिए। अब कोई भी ट्रैफिक अगर आगे यहां की हिट करेगी ना, तो मैं उस ट्रैफिक को किधर रिडायरेक्ट कर दूंगा, इस साइड। क्लियर है मेरी बात? उधर भेजना है वो तुम करेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन, अभी तुम आपको स्टोरी लाइन सुना रहा हूं, नेट में आप लाइव भेज के देखेंगे आप ट्रैफिक, बट इतना समझ में आ रहा है, डीएमजेड बनाते क्यों, बस ये समझना पहले, ये क्लियर है? एग्जैक्टली, ऐसे सर्वर जिनको पब्लिकली अलाउ करना हो उनको हम सेम उसको हम इनसाइड में नहीं रखेंगे। अब पॉइंट ये है, मान लो अब ये है, अब अगर मैं आया यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे आया और मैंने अगर इसका यहाँ पे डीएमजेड लिखा ना, उसका सिक्योरिटी लेवल भी क्या हो जाएगा, तो इसका भी सिक्योरिटी लेवल है 0, इसका है 100 और इसका भी 0 हो जाएगा। मैं अगर सिक्योरिटी लेवल इसका चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ सिक्योरिटी लेवल
और नंबर आपकी बिलोंग कर रही है 0 to 100 के बीच में। मैंने क्या किया 50। नाउ आईपी एड्रेस मैंने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल 10.1.32.1.255.0 नो शट डाउन एक्सिट शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। ये आपका आईपी एड्रेस है, क्लियर है मेरी बात? गुड मॉर्निंग देवेंद्र, ठीक है। सो ये आपका इंटरफेस। अब आप देखो अगर यहाँ पे कमांड चलाओगे शो नेम इफ कमांड, शो नेम इफ कमांड से क्या होता है कि आप वेरीफाई कर सकते हो किस इंटरफेस पे आपने क्या कॉन्फिगर किया है। ये इनसाइड के लिए है, ये आपका आउटसाइड और ये आपका डीएमजे। क्लियर है आपको मेरी बात? हर इंटरफेस पे आपको सिक्योरिटी लेवल क्लियर हो रहा है, क्लियर? नाउ 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 अब ये आपका क्या है इंटरफेस कॉन्फिगरेशन जो आपने देखा। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है, मान लो फायरवॉल के ऊपर दो इंटरफेसेस है, जैसे एक इंटरफेस और नीचे भी है, उसका नाम है इंटरफेस ईथरनेट 3 और ये इंटरफेस ईथरनेट 2 का, ठीक है। आपने ये आपका डीएमजे 1 है और ये डीएमजे 2 है और दोनों का सिक्योरिटी लेवल सेम है 50-50, देन क्या होगा? अगर दो इंटरफेसेस सेम सिक्योरिटी लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होगा, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सेम सिक्योरिटी लेवल मेंबर कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय डिफॉल्ट, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बाय डिफॉल्ट। बट यस इफ यू वांट क्रिएट अ कनेक्टिविटी ओके बिटवीन सेम सिक्योरिटी लेवल मेंबर, यस यू कैन। बात की बात कर लेंगे वो बात की बात, बट हाँ सेम सिक्योरिटी लेवल मेंबर आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है? नाउ अब यहां पे आपके पास क्या आता है, मैंने यहां पे इंटरफेस शो नेम इफ कमांड टाइप कर लिया, ये मेरा सिक्योरिटी लेवल इंटरफेसेस हो गया, सिक्योरिटी लेवल हो गया, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ये मेरी आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन हो गई। इतना तो क्लियर है सबको? नाउ तो ये आपका सिक्योरिटी लेवल का कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्लियर है सिक्योरिटी? गुड मॉर्निंग। सिक्योरिटी लेवल आपको चेंज करना आता है, क्लियर? नाउ रिमोट मैनेजमेंट आपको बताया अभी मैंने, टेलनेट और एसएसएच, क्लियर? नेक्स्ट आपके पास हुआ क्या, राउटिंग का कॉन्सेप्ट। राउटिंग कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि हम बात करेंगे क्या स्टैटिक देन डिफॉल्ट राउटिंग, जो राउटर पे करते हैं वो सिस्को ऐसे फार्मल पे कैसे करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास रिप वर्जन 2 EIGRP एंड OSPF प्रोटोकॉल्स है। फिर जैसे हम राउटर पे राउटिंग करते हैं, ट्रैफिक भेजते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, फायरवॉल पे भी हम राउटिंग करते हैं और हम साइड आईपी की राउटिंग कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम कर सकते हैं आप। देखो सेम सिक्योरिटी जैसे हाँ यस, आप मान लो सिक्योरिटी लेवल 40 आप कहीं भी कॉन्फ़िगर कर लो, लेकिन जो सिक्योरिटी लेवल 100 है ना, देखना जरा आपने क्या किया है, शो नेम इफ यहाँ पे इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है। अच्छा अब अगर मैं ये जो नीचे इंटरफेस कोई बचा है क्या, तीन इंटरफेस है, चार होते हैं ना, अरे सॉरी हाँ आपके जो इंटरफेस है एक और शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ये जो चौथा इंटरफेस है, अगर मैं इस पे जाके भी क्या लिखूं इंटरफेस ईथरनेट 3 नेम इफ इनसाइड अगर लिखूं फिर से यहाँ पे भी तो क्या लेगा, ये क्या कह रहा है पढ़िए, कि ऑलरेडी इनसाइड कीवर्ड कहीं असाइन हो सकता है, अब आप कहीं और नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है सर मैं ना इस इंटरफेस को भी सिक्योरिटी लेवल 100 देना चाहता हूं, तो आप नाम कुछ और डिसाइड कर लीजिए, इनसाइड 1 कर लीजिए और सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे क्या, बात सुनिए, हाँ डेफिनेटली सॉरी सेम मैंने आपको बोला, जैसे ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा हायर से लोअर, सो 100 से 50 फ्लो हो सकता है, 100 से 0 फ्लो हो सकता है, बट सेम सिक्योरिटी लेवल के मेंबर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे आपने एक इंटरफेस को क्या बोला सिक्योरिटी लेवल 100, दूसरे को भी आपने क्या बोला 100, दोनों इंटरफेस आपस में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने वो एग्जांपल आपको किसमें दिया 50-50 डीएमजे 1 डीएमजे 2, अब दोनों का सिक्योरिटी लेवल क्या है इक्वल है, सो सेम सिक्योरिटी लेवल मेंबर कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्लियर है?
हाँ आप सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर कर सकते हो सेम मल्टीपल इंटरफेस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आउटसाइड के जो यूजर हाँ इनसाइड में दो दो सॉरी आउटसाइड में जीरो है, हाँ यूजर एक्सेस कर रहे हैं इनसाइड में, तो सिक्योरिटी लेवल जो बना के 100 हाँ ठीक है, तो कैसे जाएगा? तो वो तो आप डिसाइड करोगे ना किसके लिए अलाउ करना है, वो आप डिसाइड करो कि जीरो से आएगी तो किधर जाएगी। आप मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, आप मेरी बात को यहाँ क्लियर करो। मैंने बोला यहाँ पे कि इस इंटरफेस पे सिक्योरिटी लेवल मान लो 100 है, इस पे भी क्या है 100 है। अब आप क्या कह रहे हो कि सर जब ट्रैफिक आएगा तो इधर जाएगा किधर जाएगा, ये कह रहे हो क्या? तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप डिफाइन करोगे ना। अगर आउटसाइड से आप अलाउ करोगे किसी को तो ये आप डिफाइन करोगे कि मैं किसके लिए अलाउ कर रहा हूँ। हाँ अरे बाबा देखो, HTTP ट्रैफिक के लिए आप स्पेसिफाई करते हो ना, क्या करते हो HTTP क्वेश्चन मार्क, मान लो आपने IP एड्रेस दिया तो ये IP एड्रेस किधर है, किधर है इनसाइड में, सो 168.10.10 ठीक है। अब ये मैंने मास्क यहाँ पे डिफाइन किया, अब ये भाई साहब किधर है, इनसाइड में है, इनसाइड वन में है, DMZ में है, आउटसाइड में किधर है, आप स्पेसिफाई करो, आप चारों तरफ के लोगों को अलाउ कर दो। लेकिन उस हिसाब से आपको IP एड्रेस देना पड़ेगा कि अगर आउटसाइड से आ रहा है तो उसका IP एड्रेस ये सीरीज का चल रहा है, इनसाइड से आ रहा है तो ये सीरीज चल रही है। ये सीरीज मैंने कहां से डिफाइन किया है, ये सीरीज मैंने कहां से डिफाइन किया, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं इनसाइड में ये IP एड्रेस यूज ही कर रहा हूं, बात समझ में आई, पक्का क्लियर है? तो ये आपका टॉपिक बेसिक्स आपने आज देखा है, आज राउटिंग स्टार्ट नहीं करूंगा, राउटिंग कल स्टार्ट करेंगे ठीक है। इस सेक्शन को आप कल डिस्कशन करिए, बाकी मैं रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ ठीक है।